अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और अल्लाह से दुआ है आप भी अपने घरों में खुशियों से खैरियत से आबाद हों, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सुबह हो गई, नाश्ते का टाइम था। नाश्ते का टाइम तो नहीं था यार, थोड़ा लेट ही हम लोग उठे, क्योंकि सारी रात हम लोग सोए नहीं। शिफा भी फिर आज स्कूल नहीं गई, इसके पापा, रात को उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो गई, तो उस वजह से उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो उस वजह से सारी रात सो नहीं सके अच्छे से। तो ये मैंने शिफा के लिए बनाया मीठा स्लाइस, और शफान भी नाश्ता कर रहा है, तो ये मेरी चाय है। इसके बाद जो है फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल इसके पापा के लिए खाना लेके। तो अफान उधर ही है, रात को उधर ही रहा था, तो सब दुआ करें बस जल्दी से वो ठीक हो जाए। बस टेंशन ही टेंशन है फ़िलहाल, तो टेंशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह पाक बस अपनी रहमत करें, अल्लाह पाक बीमारियों में और ये डॉक्टरों पे किसी को इस तरह का ना करे कि वो डॉक्टरों पे जाना पड़े। अल्लाह पाक सब पे अपना करम ही हमेशा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैं रानी को नाश्ता करवा लूँ, तो फिर इसके पापा के लिए जो है वो खाना बना के तो हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। इधर देख, इधर देख, पापा को दबा दबा, दबा। अच्छा जी, हम लोग शिफा के पापा को खाना देने खिलाने गए थे हॉस्पिटल, और ये इनके बैग साथ ले गई थी कि अगर टाइम हो गया तो इनको ट्यूशन में उतार दूंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं था हुआ, तो जल्दी वापस आ गए। अब ये घर से कपड़े शपड़े चेंज करके, तो कह रही है मुझे इन कपड़ों में वैसे भी गर्मी लग रही है और थोड़ी भूख भी लग गई है। हाँ, तो अब इसको कपड़े चेंज करवा के तो फिर ये कह रहे हैं हम लोग खुद ट्यूशन चले जाएंगे, तो ये ट्यूशन चले जाएंगे और मैं घर का थोड़ा सा काम शाम कर लूँगी। शान साहब का फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो उसने कहा मुझे फ़ोन भी मिल जाएगा और शिफा कपड़े भी चेंज कर ले, तो फिर जो है हम लोग खुद ही ट्यूशन चले जाएंगे। शिफा ने कपड़े चेंज कर लिए, और शिफा को नहीं पता, शिफा के लिए सरप्राइज़ है। ये रात को चाची ने शिफा के लिए सारी चीज़ें भेजी हैं, तो अभी शिफा को नहीं पता, अभी मैं शिफा को बुलाती हूँ। ये इसमें मार्कर भी है। शिफा ये देखो, ये आपके लिए चाची ने भेजा रात का सामान, आपको नहीं ना पता था? हाँ, शिफा को नहीं पता था। देखो क्या है, आप सो गई हुई थी ना, तो मुझे पसंद ही है, तो मुझे पसंद है। सारी अच्छी चीजें आपके खाने वाली हैं, वो सारी ना ऐसे ना ऐसे नहीं निकालो, सब्र करो, ट्यूशन का टाइम हो गया है। ये अब वो चाची ने भेजा ना, ये फाशफान ले लेगा ना, उसके काम है, उसके काम के, आपके काम के नहीं है। ये ब्लू भी है मार्कर। चलो अभी जो खाना है उसमें से बिस्किट ले लो ना, और जूस आके पिया था आपने, जो आपने खाना है वो सिर्फ एक ही बिस्किट निकालना, सारे नहीं, ज़ाया नहीं करना। अभी शिफा अपनी चीज़ें देख के खुश हो जाती है। शिफा चाची को थैंक यू बोलो, चाची ने थैंक यू चाची, आपका भेजा हुआ सारा सामान मिल गया। शिफा रानी बहुत खुश है, माशाल्लाह से हॉस्पिटल से होके आए हैं, पापा को देख के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और रिपोर्ट्स जो हैं वो भी काफ़ी ठीक बेहतर हैं, पहले जैसी नहीं है जैसे कि पहले थी, तो शुक्र है अल्लाह का। जो बाकी टेस्ट हुए हैं उनकी अभी रिपोर्ट्स नहीं आई, वो अभी डॉक्टर ने बताना था। ओके चलो खा लो अब, और अब ये जा रहे हैं ट्यूशन, और मैं घर हूँ और घर के को थोड़े से काम करूँगी। और अफान राजा उधर ही है, वो कह रहा था मैं इधर ही रहूँगा, आप जाओ। मैंने कहा नहीं, अब तुम इन्हें छोड़ो, कहते नहीं आप चले जाओ और आपने घर में जो काम शाम करना वो कर लो। तो मैं अभी घर के बाकी जो काम है वो सारे करूँगी, तो ये जानने लगे ट्यूशन। अच्छा जी, सुबह मैं एक बार मैं शफान और शिफा हम लोग गए थे इसके पापा के पास, खाना शाना खिला के आई थी, नाश्ता प्लस खाना। अभी उनको भूख लगी और अफान आया खाना लेने के लिए, और मैंने ये फ़िश को मसाला लगा के रखा हुआ था, जिससे मैंने फ़िश फ्राई की है, तो खाना जो है वो मैंने कर दिया पैक। इसमें मैंने थोड़ी सी दाल की फ़िश, और साथ में रोटियाँ और सालन है, और ये भी अफान राजा जो है लेके जाएगा, तो मैं भी इंशाल्लाह रात को जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, शिफा आ जाएगी तो इस तरह
अफान कहता मैं बोर होता रहूँगा, अभी खाना भेजने लगी हूँ अफान के हाथ। अच्छा जी, ये फाइनली जो मैंने लहसुन परसों से जो किया हुआ था, अभी भो के रखा हुआ था, उसको मैंने आज छीन लिया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। बस ऐसे ही शिफा के पापा की जो तबीयत नहीं ठीक थी, बस उसी टेंशन में ही और मेरा जहन से ही निकल गया। मैंने इसको एक साइड पे रख दिया हुआ था प्लेट दे के ऊपर, और मुझे पता ही नहीं चला कि इसके नीचे लहसुन पड़ा हुआ है। तो वो अभी मैंने जो है इसको छीन लिया, अब ये चॉप करना रह गया। इसको मैंने धो के रखा थोड़ा सा, ज़रा ड्राई हो जाए तो फिर इसको मैं हॉस्पिटल जाने से पहले जो है ना चॉप भी कर लूँ, उसको संभाल के जाऊँगी। तो थोड़ा लेट अफान बोल रहा था कि अब आप आना, वो उधर ही है, खाना शाना ले गया। तो अभी शफान का डाइट्रिशन है, जैसे ही शफान आएगा तो फिर हम थोड़ी देर के बाद वो खाना खा लेगा। तो फिर जो है हम लोग ना, मैं शफान और शिफा हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। बस अब जल्दी से इसके पापा ठीक हो जाए, अल्लाह का शुक्र है। जो टेस्ट जो पहले नहीं ठीक आया था वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो ऐसा कुछ नहीं था। बस पता नहीं अब जो और उन्होंने कोई टेस्ट वेस्ट करवाए हैं वो मैं अब जाऊंगी तो पता चलेगा इंशाल्लाह। तो बाकी सब बहन भाइयों की दुआएं हैं, अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, अपने हिफ्ज़ो इमान में अल्लाह पाक रखे सबको। यही थी आज मेरे सारे दिन की रूटीन। तो बस घर में मियाँ ऐसे हो या बच्चा कोई ऐसे हो तो फिर क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। तो मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नए व्लॉग में मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग देखें हमारी वीडियो, हमारे व्यूज़ अच्छे हो जाएं और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं। ढेर सारे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।